विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के हालात पर नजर रखने के लिए बनाई विशेष सेल। यूएनएससी की बैठक में भारत ने अफगानिस्तान को लेकर दुनिया से क्या कुछ अपील की और अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने अफगानिस्तान को लेकर चीन पाक से क्या बात की, हम आपको दिखाते हैं। टॉप 9 बैटल ऑफ अफगानिस्तान। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के हालात पर नजर रखने के लिए एक विशेष सेल बनाई है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया है कि विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान से लौटने और अन्य मामलों के समन्वय के लिए एक विशेष अफगानिस्तानी सेल की स्थापना की है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने 9717785379 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान को लेकर सभी देश आगे आए और सभी देशों की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। भारत ने कहा कि हम सभी को मिलकर तय करना होगा कि तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ना कर सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि काबुल के हालात पर सरकार की ओर से लगातार नजर रखी जा रही है। उनके मुताबिक भारत लौटने के इच्छुक लोगों की चिंता समझ रहे हैं, लेकिन वहां एयरपोर्ट संचालन सबसे बड़ी चुनौती है। इस संबंध में भागीदारों के साथ चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने यूएनएससी के एयर इमरजेंसी बैठक में कहा कि मैं यूएनएससी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करता हूं कि अफगानिस्तान में वैश्विक आतंकी खतरे का मुकाबला करने के लिए विश्व को एकजुट होना चाहिए और अपने सभी साधनों का उपयोग करना चाहिए। इससे अफगानिस्तान की जनता को फायदा होगा। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने सोमवार को अपने चीनी और रूसी समकक्षों के साथ अफगानिस्तान को लेकर बात की। ब्लिंकन ने वहां के हालात से निपटने के लिए चीन और रूस से सहयोग मांगा। ब्लिंकन के मुताबिक सभी को हालात पर काबू करने के लिए सहयोग करना चाहिए। अफगानिस्तान में हालात को देखते हुए यूनाइटेड किंगडम अपने 200 अतिरिक्त ट्रूप्स को काबुल भेज रहा है। काबुल में ब्रिटेन के 700 सैनिक पहले से ही मौजूद हैं। ये 200 पहुंचने के बाद इनकी संख्या 900 हो जाएगी। ब्रिटेन ने कहा कि उसके अपने नागरिकों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए ये ट्रूप्स भेजे हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने सोमवार को कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विफलता है। वॉलेस के मुताबिक अफगानिस्तान में पश्चिम का हस्तक्षेप का आधा काम ही हो पाया है। ब्रिटेन पहले ही सैनिकों को वापस बुलाने के अमेरिका के फैसले को गलत ठहरा चुका है। यूएनएससी की आपात बैठक में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि गुलाम एम ईसा कजई ने कहा कि मैं अफगानिस्तान के उन लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जिनकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में भाग लेने की स्वतंत्रता खोने वाली है। उनके मुताबिक तालिबान दोहा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने बयानों के लिए वादों को नहीं निभा रहा है, जिससे अफगानी लोग डरे हुए हैं। ईरान ने अफगानिस्तान में अमेरिका की विफलता को स्थायी शांति का मौका बताया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सोमवार को कहा कि वो पड़ोसी अफगानिस्तान में स्थिरता बहाल करने के प्रयासों का समर्थन करेगा। अफगानिस्तान में जीवन सुरक्षा और शांति फिर से बहाल करने की दिशा में बढ़ना चाहिए। इन्होंने ईरान को अफगानिस्तान का भाई और पड़ोसी राष्ट्र करार दिया। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।